हाँ पहली फिल्म है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है ऑडियो विजुअल कंटेंट में। 5000 एड फिल्म बनाई हुई हैं, 74 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर है। और मेरे को लगता है कि एक ये सोची समझी फिल्म है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही निकल गया घर से खेलने और एक फिल्म बना दूँ टाइप्स। तो पूरा पूरा सोच समझ के ये फिल्म की प्लानिंग की थी और जान पूछ के ये फिल्म बनाई है। और अब मुझे लगता है कि मैं ज़रूर ये कहूँगा कि फिल्म कोई बनाता नहीं है, फिल्म बन जाती है। मुझे लगता है कि एक फिल्म के जर्नी में 1000 लोग मिलते हैं फिल्म के साथ और जुड़ते हैं, और अगर सही इंटेंशन हो और एक सच्चाई हो तो सबकी एनर्जी फिल्म बनाती है। तो जैसे आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी इस फिल्म से जुड़ रही है आज, तो मुझे लगता है उसका बहुत ही एक बहुत बढ़िया रोल होता है उसमें। तो और आपको ये सूंघ आ जाती होगी पिक्चरों से, जब आप मुन्ना भाई देखा तो ऐसा लगा कि सब ने मज़ा लिया उस फिल्म में, क्वीन देखा तो ऐसा लगा कि सब कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है क्वीन की फिल्म में। तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में भी वो एक तड़का है, एक सच्चाई का तड़का, एक पैशन का तड़का है। और आई एम लकी कि मुझे ये दिशा मिली कि वहाँ मैं डेब्यूटेंट्स 170 डेब्यूटेंट्स को लेके फिल्म बनाऊँ, रोड ट्रिप बनाऊँ कश्मीर से गोवा, अपने देश को दिखाऊँ और सपने सच पूरा करूँ। तो मज़ा आ गया। मतलब करेक्ट नहीं, आई थिंक मेरा तो मतलब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश है टू बी ऑनेस्ट कि मुझे सबसे बड़ा आनंद आएगा कि एक इस किस्म की फिल्म, इस बजट की फिल्म इतना बड़ा बिजनेस कर गई। क्योंकि नथिंग सक्सीज लाइक सक्सेस। क्रिकेट हमारे देश में इतने सालों से चल रहा था, लेकिन IPL की वजह से 5000 नए चूल्हे खुल गए, हर घर में IPL आ गया, हर घर में क्रिकेटर पैदा हो गया। तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन उसकी दीवारें बड़ी ऊँची सी हैं और उसके अंदर जो लोग हैं बस वही काम कर रहे हैं, मगर बाहर 5 करोड़ लोग चाहते हैं बॉलीवुड में घुसें। तो आई थिंक इस किस्म की फिल्में अगर सफल होंगी ना तो उनके भी सपने पूरे हो जाएंगे जो बाहर बॉलीवुड के इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका एक बड़ा लक्ष्य भी है। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट मिलेगा और लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य भी है इस फिल्म का। आई थिंक उसमें काफ़ी सच्चाई है, लेकिन ये एक रीज़न है मेरा, मैं बताता हूँ आपको। मैं बड़ा आनंद लेता हूँ ये सोच के कि मैं जिंदा हूँ। लोग सोचते हैं कि मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं एंजॉय करूँगा, मेरे 1000 करोड़ की प्रॉफिट हो जाएगी तो मैं एंजॉय करूँगा, मैं लंदन जाऊँगा तो मैं एंजॉय करूँगा। मुझे तो लगता है कि हर सांस में एंजॉयमेंट है। आप कभी कोशिश करो, ये बहुत बड़ी बात है कि सांस चल रही है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि मैं जिंदा हूँ, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जब हम काम पर जाते हैं ना तो हमें काम एक बहुत गलत वर्ड है, मुझे लगता है कि हम खेलने जा रहे हैं। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग में हो तो आप खेलने जा रहे हो सुबह उठ के, ऐसा आनंद दो कि आप खेल रहे हो। तो हमने खेल खेल में ये फिल्म बना दी, तो एक माहौल ऐसा बनाया था जहाँ सबकी एनर्जी यूनाइट हो जाए कि हमारे बस के अंदर एक 75 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, एक माताश्री भी हैं 50 साल की, और यंगस्टर्स भी हैं। तो उनकी एनर्जी मैच करने के लिए मैंने एक माहौल बनाया था जो बहुत ही मज़ेदार माहौल था, और कभी भी किसी पर प्रेशर नहीं डाला। हमको सबको कहा कि हम खेल रहे हैं, जीते हारे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन लाइफ जर्नी इज द डेस्टिनेशन। तो उस फिलॉसफी से इंजॉय किया। चलिए, आप इस फिल्म जो कि आपने ये सन साइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये कैसे नाम पड़ा या कोई खास वजह? मेरा इंस्पिरेशन आदित्य चोपड़ा है, क्योंकि उसने एक फिल्म बनाई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसने टाइटल में पूरा बता दिया सच की पिक्चर क्या है, दिल वाला आएगा और दुल्हनिया को ले जाएगा, सिंपल। अब देखने देख लो। तो मेरी पिक्चर में क्या है, एक ट्रैवल कंपनी है सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल, मतलब इस पिक्चर में ट्रैवल होगा, इसमें बहुत अच्छा म्यूजिक होगा और बस आप आ जाओ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो यंगस्टर है ना वो सूंघ लेता है फिल्म को, वो सूंघ पकड़ लेता है पिक्चर की, ये पिक्चर सच है या ये यूं ही मतलब 5 गाने प्रमोट करके बुला रहे हैं हमें आ जाओ थिएटर में। तो मुझे लगता है कि नाम में सच्चाई होनी चाहिए। तो मेरा इंस्पिरेशन तो आदित्य चोपड़ा की पिक्चर थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फॉर अस टू गेट इंस्पायर्ड बाय, सो व्हाई नॉट। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी फिल्म के साथ साथ में एक और बड़ी फिल्म आ रही है, कई सारे लोगों ने अकीरा तो कुछ प्रेशर है आपको? फीमेल गजनी नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया, बिकॉज एक तो चॉइसेस मिलती हैं ऑडियंस को, और बहुत अच्छी बात है कि उस दिन सिर्फ 2 हिंदी पिक्चरें आ रही हैं, नौमी तो 6-8 आती हैं साथ में, तो आई थिंक हमारी डेट काफ़ी सही है, और जॉनरा टोटली अलग है। तो सोनाक्षी जी से मैं मिला था अभी, मैंने अपना ट्रेलर उनको दिखाया लास्ट हफ्ते, और हाँ उनको भी वहाँ मज़ा आया, उन्होंने बोला ये क्या बना दिया, मैंने बोला अलग है एकदम। तो उनको अच्छा लगा, उनने मुझसे पूछा भी कि ये किसने शूट की, मतलब उनको विजुअली अच्छी लगी फिल्म, और मैंने भी कॉम्प्लीमेंट किया कि उनको देख के मतलब अब मुझे लगता नहीं कि उनकी शादी हो पाएगी, क्योंकि उसके जो उनके जो हस्बैंड होने वाले होंगे उन सपने में दिखेगा ना अकीरा का ट्रेलर, अगर कुछ गलत कर दिया तो
नहीं मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट्स टू कूल, मतलब हॉलीवुड में बहुत फिल्में बनती हैं जहाँ फीमेल लेती हैं, और आज का तो अपना फीमेल का दौर चल रहा है ओलंपिक्स में, और अब सोनाक्षी अकीरा के साथ। ऑफकोर्स हर सपना सच होता है, सिर्फ सपनों में विश्वास होना चाहिए, और ये फिल्म भी एक सपना था 170 डेब्यूटेंट्स के लिए, मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आके इसे देखें ताकि आने वाले जनरेशन बॉलीवुड नेक्स्ट अगर सोचे कि अगर उनके पास सपना है तो उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो सच हो सकता है। सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल 2nd September, प्लीज़ कम, प्लीज़ वॉच, प्लीज़ गिव अस योर लव। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।